सभी देवी देवता वो चाहे काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी वगैरह हो, देवता किसी भी प्रकार के हो, सभी ऊर्जा के रूप है। ईश्वर खुद ऊर्जा का रूप है। ईश्वर एनर्जी का नाम है, इसीलिए उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं, क्योंकि वो सब जगह मौजूद है, शक्ति रूप में विद्यमान है। शक्ति का अर्थ होता है एनर्जी, सभी जगह विद्यमान है, शक्ति के रूप में विद्यमान है, इसलिए उसका नाम हमने रखा सर्वशक्तिमान। देवता, देवियां, ये सब यक्षिणी, दक्षिणी, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सभी उसके अंश हैं। जैसे समुद्र में पानी और अगर उसमें से बूंद निकाल ली जाए तो बूंद भी पानी। फार्मूलेशन दोनों की सेम, समुद्र के पानी की फार्मूलेशन H2O, अगर उसमें से बूंद निकाल ली जाए पानी की तो उसकी फार्मूलेशन H2O। बूंद अगर समुद्र के समकक्ष केमिकल संरचना रखती है तभी तो बूंद समुद्र में समा जाती है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत सी बातें, बोझ, भय मन से उतर जाएंगे, क्योंकि आपने देखा नहीं है। आपने शास्त्र पढ़ लिए या जैसा आपको शास्त्रज्ञों ने, तथित ब्राह्मणों ने बता दिया, आपने मान लिया, देखा नहीं। अगर कोई खरगोश की तस्वीर मेंढक जैसे बना दे और मेंढक की तस्वीर हंस जैसे बना दे, तो जब किसी ने कुछ देखा ही नहीं तो वो मेंढक को हंस कह देगा, खरगोश को मेंढक कह देगा, क्योंकि उसने देखा नहीं है। इसलिए जिसने देखा नहीं था उसने तस्वीर बनाया और निश्चित रूप से वो तस्वीर गलत बनाया। सभी देवी देवता ऊर्जा के रूप हैं और ये कभी नाराज नहीं होते हैं। देवता का अर्थ ही ये होता है, देवी और देवता का अर्थ होता है जो सदा देता ही देता है, आपसे कुछ मांगता नहीं, आपसे कुछ लेता नहीं, देता ही देता है। देवता है, लेवता नहीं है। लेकिन हमारी पखंडी व्यवस्थापकों ने, प्रवचनकर्ताओं ने ऐसी भ्रांतियां फैला दी कि ऊर्जा को, जिसका कोई रूप नहीं होता। अब देखिए, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, विद्युत, बिजली, उसका कोई रूप होता है? नहीं होता। अगर बिजली ना आए और आप बिजली को गालियां निकालनी शुरू कर दो, तो जब बिजली आएगी पीछे से बंद हो जाए पावर हाउस से और आप उसको गालियां निकालनी शुरू कर दो, तो जब बिजली आ जाए तो क्या वो आपको बुरा भला कहेगी? ईश्वर को आप गालियां निकालते हो, नास्तिक लोगों को। बहुत से लोग पूछ लेते हैं मुझे, श्रद्धालु, अंधश्रद्धालु, गालियां निकालने वालों को भगवान दंडित क्यों नहीं करता? दाता
दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। वो दाता है, देता ही रहता है जुगो जुगो तक। जब तक तुम्हें वैराग्य नहीं होता तो मुक्त होने की कगार पे नहीं पहुंच जाते, मुक्त नहीं हो जाते। जुगा जुगंतर खाई खा, उसका दिया हुआ तुम खाते रहते हो। ईश्वर, देवी देवता, इनको आप अलग मत समझ लेना। इसको ऐसा समझना कि जैसे ईश्वर एक पावर हाउस है और उस पावर हाउस से सभी देवताओं ने अपने अपने घरों के लिए बिजली का कनेक्शन ले रखा है। काली ने अलग, दुर्गा ने अलग, देवताओं ने अलग, विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, पार्वती, सभी ने पावर हाउस से कनेक्शन ले रखे हैं उस परब्रह्म से। ये शक्ति रूप है, ये नाराज नहीं होते। शक्ति कभी नाराज नहीं होती। परमात्मा को आप गाली निकालते हो, लेकिन वो क्योंकि शक्ति रूप है, एनर्जी, कभी आपसे नाराज नहीं होती। जैसे बिजली आ जाए और बिजली को आप गालियां निकालने लग जाओ, भला बुरा कहने शुरू हो जाओ, वो आपको दंडित नहीं करेगा। शुद्ध एनर्जी पावर है वो, बस वो अपना काम करती रहेगी। तुम उसे गालियां निकालो और देखिए, गालियां ही निकालने वाले नहीं है यहां, अरदास करने वाले भी हैं, यहां फरियाद करने वाले भी हैं, यहां प्रार्थना करने वाले भी हैं। लेकिन एनर्जी न किसी की प्रार्थना सुनती है, न किसी की अरदास सुनती है, न किसी की गालियां सुनती है। ये कभी नाराज नहीं होती। इनका स्वभाव आपको देना है, इसलिए ईश्वर को महाकरुणावान माना गया है। इसलिए हम ईश्वर को दयालु कहते हैं और इसलिए हम ईश्वर को सच्चा दाता, वड्डा दाता, तिल न तमाए। उसके भीतर तमा नहीं है, उसके भीतर लोभ और लालच नहीं है। वो सिर्फ देना जानता है, वो सिर्फ लुटाना जानता है। एनर्जी देती ही देती है। एनर्जी तुम्हारे करुणापूर्वक तुम्हारे से व्यवहार करती है, तुम्हें देती ही देती है। इसलिए अगर स्वामी दयानंद को मार दिया गया तो काली का इसमें कोई हाथ नहीं था। काली घिसटी भी नहीं, वो तो पत्थर था जो टूट गया और जो सड़क के ऊपर घिसटता रहा, वो पत्थर था। पत्थर की मूर्तियां जो हमने लगा रखी हैं सभी मंदिरों में, होशियारी हमने ये की है कि प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर हम खुद ही अपने आप को बेवकूफ बनाए जाते हैं और हमारी हुई बनाई हुई चीज को खुद की पूजा किए जाते हैं। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। हम खुद ही तराशते हैं और साइकोलॉजिकली उसमें प्राण डालते हैं
और फिर वो भगवान हो जाता है। वो भगवान नहीं होता, तुम्हारी श्रद्धा उसे भगवान बना देती है। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है, इसलिए इस्लाम ने बुत परस्ती को इंकार किया। बाबा नानक ने बुत परस्ती को इंकार किया। वो कहते हम मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। सनातन धर्म ने मूर्ति पूजा की, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक। मूर्ति पूजक कहते हैं कि कहीं से तो शुरू करना होगा, आभासा ठीक, लेकिन मुश्किल तब पेश आती है जब हम आभासा पे ही खड़े रहते हैं, उन कायदों को ही अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। मूर्ति ही हमारी भगवान हो जाती है। दयानंद ने ऐसा किया, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप काली के श्राप के कारण वो मरे नहीं, वो अच्छी आयु भोग के मरे। वो 59 वर्ष की आयु में मरे, करीब 60 के होने वाले थे। 58 वर्ष में तो आप व्यक्ति को वैसे भी रिटायर कर देते हो। स्वामी दयानंद अक्सर प्रवचन करने जाया करते थे, राजघरानों में भी जाया करते थे। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने उन्हें आमंत्रण निमंत्रण भेजा था कि कृपया हमारे भी यहां आइए, अपने मुखारविंद से चार शब्द सुनाइए, हमें कृतज्ञ कीजिए। स्वामी दयानंद जोधपुर चले गए। वहां का राजा जसवंत सिंह भी कभी कभी आ जाता, रोज प्रवचन होते हैं, लेकिन जब स्वामी दयानंद ने एक वैश्या को नाजायज हस्तक्षेप करते हुए देखा राजकाज के कामों में, जसवंत सिंह राजा की राजसी निर्णयों में, राजकाज के कामों में नाजायज उसकी एंट्री देखी, हस्तक्षेप देखा, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राजा से कहा कि राजा, तुम राजा हो, थोड़ा संस्कार वश रहो। नन्ही नाम की वो वैश्या अक्सर परेशान करती थी और राजकाज के कामों में सारे महल में अशांति फैलाती थी। स्वामी जी ने जसवंत सिंह को समझाया कि ऐसा न कर, और उनके समझाने बजाने से नन्ही नाम की वैश्या से राजा जसवंत सिंह ने, जो जोधपुर के राजा थे, उन्होंने उनके संबंध तोड़ लिए। इस पर नन्ही नाम की वैश्या उनसे नाराज हो गई, मन में धार लिया कि इस महर्षि को मैंने खत्म कर देना है। उन्होंने चाल चली वैश्या के पास, पैसे थे राजा के दिए हुए। महर्षि दयानंद का रसोईया कलिया, जिसका नाम जगन्नाथ था, को लालच में लाकर खरीद लिया गया
और उनके दूध में कंच का मिश्रण मिलाकर उन्हें पिला दिया गया। स्वामी दयानंद का भीतर जख्मों से भर गया कंच के कारण, लेकिन जैसे मैंने कहा कि चाहे अणिका हो, चाहे गणिका हो, चाहे सदना कसाई हो, चाहे नन्ही वैश्या हो, आत्मा सभी के भीतर होती है। पॉइजन तो दे बैठी, कंच तो पिला बैठी, पश्चाताप बहुत हुआ, दुख बहुत हुआ कि मैंने ये क्या किया। पहले ही न जाने मैंने कौन से कुकृत्य किए थे जिसके कारण मुझे वैश्या का शरीर मिला। अब फिर मैंने एक महान कुकृत्य कर दिया है, एक ऐसे महान पुरुष का मैंने अंत कर दिया है जो शायद सदियों सदियों के बाद में जन्म लेते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, लेकिन आप उन्हें मार देते हो स्वार्थवश। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें मारकर अमर हो जाते हो, मर तो आप भी जाते हो, लेकिन स्वार्थवश अपने क्रोध को शांत कर लेते हो। बाद में पश्चाताप हुआ नन्ही वैश्या को, जब उसके इफेक्ट्स आने शुरू हुए और स्वामी दयानंद सरस्वती के दस्त लगे खून के, भीतर से पार दिया गया सारा डाइजेस्टिव सिस्टम फट गया, जगह जगह कंची चुभ गए, बहुत दुख हुआ दयनीय दशा देखकर। ऐसी विवश दशा देखकर स्वामी दयानंद नन्ही वैश्या को बहुत पश्चाताप हुआ। वो गई स्वामी दयानंद के पास, पांव पकड़ लिए, रोने लगी, पश्चाताप के आंसू बहाए। महर्षि, मैंने ही आपको ये कंच खिलाया है, कलिया से मिलकर, जगन्नाथ से मिलकर, रसोई से मिलकर आपके दूध के भीतर कंच का मिश्रण मिला दिया गया और आपको पिला दिया गया, जिससे आपकी ये दुर्दशा हुई है। ऐसे ही संतों के नाम अमर नहीं हो जाया करते। महर्षि दयानंद ने जगन्नाथ को बुलाया, नन्ही वैश्या को बुलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा का कोप इन्हें जीवित नहीं रहने देगा। राजा को पता न चले, सारी जिंदगी में जो पोट ली थी उनके पास, लोगों ने दक्षिणा दी थी उन्हें, उसकी पोटली बांधे रखते थे। वैश्या के हाथ में पोटली थमाई और कहने लगी कि तुम ऐसे करो, दोनों यहां से निकल जाओ, राजा तुम्हें मृत्यु दंड दे देगा, ये पैसे ले जाओ, अब मेरे ये किसी काम के नहीं, तुम इन्हें ले जाओ और तुम यहां से चले जाओ, नहीं राजा तुम्हें मार देगा। राजा भयंकर रोष में आ जाएगा, अभी तक उसे पता नहीं है, धन है। ऐसे ही कोई महात्मा नहीं हो जाता है, ऐसे ही कोई महर्षि नहीं हो जाता है। उनकी हालत बिगड़ गई, उन्हें अजमेर ले जाया गया, लेकिन उनको बचाया ना जा सका। करीब 59 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया।
और जिस ढंग से उन्होंने शरीर त्यागा उस वक्त उनके अंतिम शब्द थे, हे परम पुरुष, हे विधाता, हे ईश्वर, हे महामहिम, हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण। तेरी इच्छा पूर्ण। महर्षि दयानंद मरते वक्त ये सबूत दे गए कि वो जानते थे कि जो कुछ होता है ईश्वर की रजा के बिना नहीं होता, ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं होता। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। कोई काली के प्रकोप के कारण मरे नहीं, ईर्ष्या के कारण मरे, नफरत के कारण मरे, द्वेष के कारण मरे। नन्ही वैश्या ने उन्हें कंच पिला दिया, रसोइये जगन्नाथ के साथ मिलकर धोखा हुआ, एक महान पुरुष का अंत हुआ। दीपावली के दिन दो महान पुरुषों ने शरीर त्यागा, एक महर्षि दयानंद और एक भगवान महावीर। इन दोनों ने दीपावली के दिन शरीर त्यागा। भगवान महावीर ने एक दिन पहले और ऋषि दयानंद ने बिल्कुल दीपावली वाले दिन शरीर का त्याग किया। और मरते वक्त बिल्कुल शांत बने रहे, हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण। महावीर जब प्राण त्याग रहे थे तो अपने शिष्यों से पूछा कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कहीं हस्त नक्षत्र तो नहीं चल रहा है, मैंने शरीर का त्याग करना है। शिष्यों ने देखा, कहते भगवान हस्त नक्षत्र ही चल रहा है, हस्त नक्षत्र में प्राण नहीं त्यागा करते। तो महावीर बोले कि ठहर जाओ, हस्त से जैसे ही चित्रा आ जाए, चित्रा नक्षत्र का आगाज हो जाए, मुझे बता देना, मैं शरीर का त्यागन कर दूंगा। है साइंटिफिक प्रक्रिया है, विज्ञान है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ स्टार्स, इस विश्व की रचना को कोई पूरा पूरा समझ गया हो और दावा करे तो पक्का ही उसके मुख पर लिख देना मूर्ख, कभी नहीं कोई समझ सकेगा। हाँ, अगर कोई संत बोलता है कुछ भ्रांतियों को तोड़ने के लिए अवश्य बोलता है। तुम्हारे सिर पर नाजायज बोझ ना पड़ा रहे इसलिए बोलता है, भ्रांतियों का खंडन करने के लिए बोलता है। ऊर्जा कभी कुपित नहीं होती, ऊर्जा कभी आपको दंडित नहीं करते, न काली, न दुर्गा, न सरस्वती, न लक्ष्मी, न देवता, न ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कोई भी नाराज नहीं होता। ये ऊर्जा रूप हैं और ऊर्जा कभी किसी से भी द्वेष नहीं रखते, तुम्हारा भला ही भला करती है। भला हमारे घर के विद्युत ने कभी किसी का नुकसान किया? हां, उसके नियमों से परे जाओगे तो नुकसान होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है, तुम टेढ़े मेढ़े चलोगे
तो गिरोगे। वो तो कोई भी गिरेगा। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है कि विद्युत की अगर खाली तार को हाथ लगाया जाए, नंगी तार को, तो वह प्रकोप करेगी, तुम्हें मार देगी, बिल्कुल मार देगी। लेकिन ध्यान रखना, जिसने गालियां न निकाली हो उसे भी मार देगी। तुम तो भेड़ भड़ा लेते हो कि इसने गालियां निकाली थी और गलती से इसका हाथ नंगी तार को लग गया तो यह मर गया। लेकिन याद रखना, अगर कोई व्यक्ति महामृत्युंजय का जाप करते करते भी नंगी तार को हाथ लगा दे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध पुष्ट वर्धनम उर्वारूक में वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् स्वभू ओम साजुम होम होम, और नंगी तार को हाथ लगाया, भगवान शंकर कुछ नहीं कर सकेगा, नंगी तार अपना काम कर जाएगा। या भ्रांतियों से मुक्त हो जाओ। मैं भ्रांतियों को तोड़ने के लिए ही आपसे बोल रहा हूं। अगर नंगी तार किसी ने गाली निकाल दी और नंगी तार को हाथ लगा दिया, मरेगा। लेकिन कोई आपकी स्तुति कर रहा है और नंगी तार को हाथ लगा दिया, वो भी मरेगा। ये तो एक नियम की अवहेलना के कारण मरेगा। किसी को गाली निकालने या किसी को स्तुति करने का इसमें कोई सवाल ही नहीं। ये भ्रांतियां दिमाग से निकाल दो। धन्यवाद।